हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि अगर आप लोगों के जो फेसबुक पे कॉपीराइट आता है उसको कैसे डिलीट करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, और वो कहां से पता चलेगा कि आपका जो फेसबुक पेज के ऊपर कॉपीराइट आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो हम लोग जैसे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन हमें बाज़ वक्त ऐसा होता है हमें पता नहीं चलता कि कॉपीराइट कैसे हो। जैसे मुझे भी पता नहीं चला, बहुत मुश्किल से मैंने ये चेक किया, फिर जाकर मुझे पता चला कि कॉपीराइट जो है वो कहाँ से आता है और कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है, और कैसे डिलीट करना है उसको। आपको पता ही होगा, अगर कॉपीराइट आ जाए तो उसको अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फिर ही हमारा पेज ग्रो कर पाएगा, फिर ही हमारी जो है नेक्स्ट पॉलिसी हमारी काम कर पाती है। चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे फेसबुक में, फेसबुक में पेज लॉग इन कर लेंगे। अगर तो आप लोगों का पेज ही लॉग इन है तो उसी पेज पर काम करें। अगर आपके पास आईडी लॉग इन है तो आप थ्री डॉट पर जाएंगे। थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ से आप अपने पेज के ऊपर लॉग इन चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पेज के ऊपर लॉग इन जाएंगे, ये मेरा पेज है, ठीक है, तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना, वीडियो देख के वीडियो लाइक कर देना। और मेन जो मुद्दे की बात है हम उस पर चलते हैं, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हमने चले जाना है जी थ्री डॉट पे, ठीक है। थ्री डॉट पे जाने के बाद थ्री डॉट पे चले गए थ्री डॉट पे जाने के बाद हमने आ जाना है हेल्प एंड सपोर्ट पे, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सपोर्ट इनबॉक्स। स्पॉट इनबॉक्स में हम लोग चले गए। स्पॉट इनबॉक्स में ये देखें, मुझे नोटिफिकेशन आए पड़े हुए हैं कि आपके दो जो हैं वो जनाब अली, ये देखें, ये जो है दो न्यू अपडेट्स, ठीक है। ये जो न्यू अपडेट्स हैं यही मुझे यही वो बता रहा है कि आपका जो है वो कॉपीराइट आया हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखो, जो मैंने वीडियो दो अपलोड की हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों पे कॉपीराइट के ऑप्शन आई हुई है मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको या तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा या इसको मैं मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा मॉडिफिकेशन कहाँ से करना, कैसे होनी है और डिलीट कैसे होनी है। यहाँ पर चला जाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं सी डिटेल पर चला जाता हूँ। सी डिटेल में जाने के बाद वो कह रहा है जी जिसने आपकी आपने जिसकी अपने डाउनलोड की है, ये देखें, ये उसका नाम भी दिखा रहा है, इसने जो वीडियो ये अपलोड की थी मेरे से पहले, जिस वजह से मेरे पास कॉपीराइट की ऑप्शन आ गई, ये देखें, ठीक है, इस वजह से मेरे पास कॉपीराइट के ऑप्शन आई है। ये देखो, इस बंदे ने पहले ये वीडियो अपलोड कर चुका है, ठीक है, इस वजह से मेरे पास जो है कॉपीराइट की ऑप्शन आ गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कंटिन्यू पर चला जाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से मैं कंटिन्यू पर चला जाता हूँ। तो कंटिन्यू पर जाने के बाद यहाँ से फिर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लेना, ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है वो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ से भी चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गई तीन ऑप्शन, ठीक है, एक आ गई एक्सेप्ट चेंजिंग की, दूसरा आ गया सब्सक्राइबेशन सबमिट की, ठीक है, तीसरा आ गया रिमूव वीडियो की। यहाँ से मैं तीनों काम कर सकता हूँ। अगर तो वीडियो आपकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर चुकी है, काफ़ी अच्छी वाच टाइम उस वीडियो ने ले ली है, तो आप उसको बेहतर यही है कि आप इसको एक्सेप्ट चेंजिंग पे जाके वीडियो का थोड़ा सा वॉइस चेंज कर दें, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, आपकी वीडियो का जो है वो कॉपीराइट ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इसको नहीं करना चाहें तो जैसे मैं इसको नहीं रखना चाहता तो मैं यहाँ से रिमूव वीडियो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, रीलोडिंग अनेबल टू लोड पेज, यहाँ रीलोडिंग पेज पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पेज से अभी डिलीट हो चुकी होगी जिसलिए जैसे ये मेरे पास शो नहीं हो रही, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी देख के इसको पेज अपने से डिलीट कर दिया होगा इसलिए ये ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वीडियो पे भी हमने ऐसे ही करना है, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे चले गए, ठीक है, ये मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, आप लोगों को पता चल जाएगा उम्मीद है, ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ये रिमूव हो गई, डिलीट फॉर दिस वीडियो, ये देखें, ये मेरी जो वीडियो है वो जनाब अली डिलीट हो चुकी है, ठीक है। वो मैंने पहले उसको डिलीट कर दिया था इसलिए वो डिलीट नहीं हो रही थी, ये देखें, ये वीडियो जो है हमारी डिलीट हो चुकी है और ये वीडियो हमारी जो है वो यहाँ से हमारे पेज से ख़त्म हो गई होगी। आप पेज जाके चेक भी करेंगे तो पेज से आपके ख़त्म हो गई होगी। वो कह रहा है योर वीडियो वॉज रिमूवड, हमारे जो पेज से ये वीडियो रिमूव हो चुकी है, तो हमारा जो कॉपीराइट है यहाँ से ख़त्म हो गया होगा, तो हम इसके जो भी इश्यू हैं वो सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। तो अभी हम पेज को मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।